हेलो गाइस, व्हाट्सअप। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। सो वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो आज हमारे साथ रहने वाली है क्रेटा 2020 एसएक्स ऑप्शनल टॉप वेरिएंट है बेसिकली। सो आज हमारे साथ है अभिषेक सोलंकी। सो इसके बारे में जो भी मॉडिफिकेशन इसके अंदर हो रखी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड क्या पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स हैं उसमें मॉडिफिकेशन के रिलेटेड। एंड अगर आप कराने जा रहे हैं ऑल न्यू क्रेटा 2020 में मॉडिफिकेशन, सो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या करानी चाहिए आपको मॉडिफिकेशंस एंड क्या आपके लिए बेस्ट है। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो गाइस, अब बात करते हैं इसके फ्रंट लुक के बारे में। सो भैया, इसमें आपने फ्रंट से क्या क्या चेंजेस कराए? सबसे पहले भैया, फ्रंट में एक टर्बो ग्रिल है। ओके, ब्लैक फियानो फिश में ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, ना करोल बाग ना कश्मीरी ग्रिल। मैंने स्पेशली कुंडली सोनीपत से इंपोर्ट कराई है और मेरी फर्स्ट क्रेटा जिसमें ग्रिल लगी है। अच्छा, तो आप देख सकते हैं ब्लैक फियानो फिनिश में कितनी ही यूनिक एंड डिफरेंट लुक आ रही है आप फ्रंट से देख सकते हैं। और Hyundai का लोगो आपको स्टॉक मिलता है एंड यहाँ पे आपको टर्बो की बैजिंग मिलती है, आप देख सकते हैं। एंड ब्लैक पियानो फिनिश में बहुत ही अच्छी एंड अट्रैक्टिव लुक दे रही है। सो अब बात करते हैं इसकी बॉडी किट के बारे में। ये भी आपने बाहर से लगवाई है? ओके, सो ये आपने कहाँ से लगवाई है? डैट कंपनी से इंपोर्ट करवाई है। अच्छा, कंपनी से इंपोर्ट करवाई है। ये बाहर कहीं भी नहीं है, ऐसे बिल्कुल सेम। ओके, पूछा था मैंने, कहीं भी नहीं है। सो अब बात करते हैं इसके साइड लुक के बारे में। तो भैया, जैसे मैं देख सकता हूँ आपने टायर में आपने स्टिकरिंग कराई है, तो बहुत ही अच्छी लग रही है। आपने कहाँ से कराई है बेसिकली? ये मैंने इंस्टा पे देखा था, टायर डिकोर के नाम से एक पेज है। ओके, मैंने वहाँ पे इंक्वायरी डाली थी, वहाँ से मैंने स्टिकरिंग लगवाई है। ओके ओके, सो आप देख सकते हैं कितनी ही अच्छी स्टिकरिंग है। एंड मैंने सुना है बहुत बार उतर जाते हैं टायर स्टिकर। कुछ नहीं, भी नहीं उतरता, मैंने ऑफ रोडिंग सब कुछ करके देख लिया। अच्छा। अभी मैं नैनीताल गया था, वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। अच्छा। फुल गारंटी देते हैं वो। फुल आपने रफ चलाई होगी गाड़ी वहाँ तो? ऑफ रोडिंग सब कुछ करके देखा, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, तो आप देख सकते हैं मिशलिन प्ले स्टिकरिंग कराई है यहाँ पे। एंड ये जो अलॉय है ये आपको स्टॉक कंपनी से ही मिलते हैं ऐसे? ओके, मशीन कट अलॉय आपको कंपनी से ही मिलते हैं। बाकी आपने साइड लुक में और क्या कराया यहाँ पे? क्रोम फिनिश करवाई है। ओके, यहाँ पे और विंडो में भी। ओके, सो आप देख सकते हैं साइड में आप क्रोम फिनिश, जो कि अगेन एक प्रीमियम लुक प्रोवाइड कर रही है साइड से कार को पूरी। एंड यहाँ पे आपको डोर गार्निश मिल जाएगी, वो भी सिल्वर क्रोम में आपको। एंड देन आप रेन वाइजर्स मिल जाएंगे यहाँ पे आपको। एंड रूफ रेल्स कंपनी से ही आती है, राइट? कंपनी से आती है। ओके, सो ये आपने कहाँ से कराया ये क्रोम का काम? कंपनी से ही। ओके, सो आप बॉडी किट के साथ साथ ये भी आपका जो है ये आफ्टर मार्केट है, जो डाउन द लाइन बॉडी किट ये इसी में इंक्लूड है। गाइस, अब करते हैं इसके रियर लुक के बारे में बात। रियर में भैया आपने क्या क्या चेंजेस कराए हैं इसमें? सबसे पहले भैया मैंने रिफ्लेक्टर चेंज करवाया इसके। ओके, उसके बाद ये डिफ्यूजर। ठीक है, ये डिफ्यूजर भी एक तरह का एंटी किया, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, आप कहीं भी ट्राई कर सकते हैं। ओके, अब बॉडी किट में आपको सिल्वर लाइन के आपको पैनल मिल जाता है एंड डुअल एग्जॉस्ट मिल जाता है, जो कि एक फेक एग्जॉस्ट है। एंड फंक्शनल इसका एक ही एग्जॉस्ट है जो यहाँ डाउन द लाइन है। एंड अराउंड द एग्जॉस्ट आपको क्रोम लाइनिंग मिल जाती है एंड डाउन द लाइन आपको रियर गार्ड मिल जाता है, आप देख सकते हैं। सो रियर गार्ड आपने बेसिकली इस पर चलानी है अभी? नहीं, फ्रंट पे है, बैक पे नहीं है। अच्छा, बैक पे नहीं है, फ्रंट पे है। फ्रंट पे है तो आपने फ्रंट में नहीं लगवा रखा अभी? ओके ओके, बैक में आपको एक टो बेल्ट मिल जाती है और ये टो बेल्ट तो वैसे ही शो के लिए है, काम तो आती नहीं वैसे। ठीक है, ठीक है, इससे आप देख सकते हैं कितनी लुक एनहांस हो जाती है। सो भैया, इसमें आपने इंटीरियर में क्या क्या कराया है? सबसे पहले भैया हमने उस कफ प्लेट्स लगवाई है। Okay. लाइटनिंग वाली नहीं, सिंपल लगी, मुझे पर्सनली लाइटनिंग वाली बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। अच्छा अच्छा, उसके बाद मैंने इसमें साउंड अपग्रेड करवाई, डैम्पिंग करवाई है पूरी गाड़ी की। अच्छा, डैम्पिंग कराई आपने और आपने स्टॉक स्पीकर ही रखे? स्टॉक स्पीकर ही रखे, कोई चेंज नहीं? नहीं, कंपोनेंट सेम है, बहुत सी सिर्फ डैम्पिंग करवाई है। ओके, हाँ जी। और इसमें जैसे इंटीरियर में मैं देख पा रहा हूँ आपने 70 मैट्स भी लगवाए? 70 मैट्स लगवाए। ओके, इससे काफी लुक एनहांस हो जाती है इंटीरियर की, काफी अच्छी लुक हो जाती है। मैचिंग करवाया, कलर ब्लैक और व्हाइट था उसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, उससे मैच करके आपने 70 मैट्स लगवाए। सो इसका प्राइस अकॉर्डिंग अगर कितना अप्रोक्सीमेट कितना आया होगा? 3500 भैया, 3500 ओनली 70 मैट्स। डैम्पिंग का अराउंड 8000, डैम्पिंग का 8000 रुपीस। ओके, फोर डोर्स में या पूरी कार में? फोर डोर्स ओनली, फोर डोर्स। कितनी शीट्स लगी थी एक डोर में? टू शीट्स, ठीक है, टोटल 8 शीट्स। ठीक है, और बाकी आपने स्टॉक ही रखा है बाकी इंटीरियर? ठीक है, बिकॉज इंटीरियर तो आप देख ही सकते हैं इसका कि कितना प्रीमियम लगता है, कंपनी से ही कितना अच्छा आता है, आप चेंज कराने का मन ही नहीं करता, बिकॉज आपको यहाँ पे लेदर स्टिचिंग मिल जाती है आपको फ्रंट में, आप देख सकते हैं। एंड फ्रंट शीट्स आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लगती है, वेंटिलेटेड शीट्स है। ओके, तो आप देख सकते हैं कितना प्रीमियम इंटीरियर है इस गाड़ी का।
आपको एक आइडिया लग ही गया होगा कि ऑल न्यू क्रेटा 2020 में आपको क्या क्या मॉडिफिकेशन करा सकते हैं आप, एंड अप्रॉक्सीमेट क्या प्राइस आया इसका? 70,000 के अराउंड। ओके, सो 70,000 रुपीज़ प्राइस आया ऑल मॉडिफिकेशंस का जो भी आपने देखी है उसका। सो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन बाय बाय।